सहराए चोलिस्तान के किनारे आबाद एक ऐसा जिला जिसे सतलुज की रवानी का बरसों से है साथ मिला, जो पाकिस्तान के पंजाब की है एक तारीखी तस्वीर भी, वो कदीमी यादों से है लिखी गई एक तहरीर भी, जिस आजाद रियासत का दिल गया पाकिस्तान की जानिब मुड़, आज कहलाता है सूबा पंजाब का एक कीमती जिला बहावलपुर। ये सरजमीन है तपते हुए रेगिस्तानों की और जन्नत है सरसब्ज नखलिस्तानों की। नवाब बहावल खान अबासी ने 1748 में इस शहर की बुनियाद रखी। कुदरत ने इब्तदा ही से ये रियासत आजाद रखी। कायदे आजम से नवाब सादिक खान की अकीदत ऐसा रंग लाई कि 7 अक्टूबर 1947 को ये आजाद रियासत भी पाकिस्तान का हिस्सा कहलाई। पुराने बहावलपुर के गिर्द कभी हुआ करती थी एक मजबूत दीवार, जिसके 7 दरवाजों से कभी दाखिल होते थे राहदार। इन तारीखी दरवाजों ने आज भी रखा है अंदरून बहावलपुर के माजी की हसीन यादों को समेट। आज भी उसी शान से खड़े हैं यहां शिकारपुरी, दरावड़ी, अहमदपुरी, मोरी, बोहड़, मुल्तानी और फरीद गेट। दो सदियों तक इस सरजमीं पर नवाबों का राज रहा, इसीलिए ये शहर आज भी नवाबों का शहर है कहलाता। यहां आज भी है अजीम शान माजी का गुजरा हुआ हर पहर, इसीलिए इसे कहा जाता है महल्लात का शहर। वो महल्लात के जिनमें आज भी रहता है बादशाहों का गुजरा हुआ शाहाना कल, उनमें नूर महल, दरबार महल और है गुलजार महल। यहां मौजूद है एक महल ऐसा भी जिसे ना देखने पर सयाहों का नहीं चलता कोई बस, वो है नवाबों का तराशा सबसे बड़ा सादिक पैलेस। आज ये जिला 5 तहसीलों का है मान, जिनमें बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, हासिलपुर, खैरपुर टामे वाली और 5वीं है मंडी यजमान। पंजाब के इस कदीमी शहर की है अपनी ही एक अलग अहमियत। सतलुज के किनारे दिखाई देती है कला दरावड़ की अजब शान और शौकत। इस कले के नजारे हर आंख को हैं भाते, ऐसे शानदार जलवे किसी और कले में नजर नहीं आते। इसी कले के करीब तारीख के लाजवाब हुस्न के और भी सबूत हैं मिलते, दिखाई देते हैं जब आंखों को यहां अबासी मस्जिद के जलवे।
जबलपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाके एक ऐसी जगह जिसका नहीं कोई हरीफ, वो है बरे सगीर का वाहिद नूरानी और रूहानी मकाम उच शरीफ। यहां सूफिया की रौनक से सजते हैं दिन और रात। एक रिवायत के मुताबिक यहां हैं 1.5 लाख औलिया के मजारात। दरियाए सतलुज पर 1878 में रेल का एक पुल तामीर हुआ। 150 साल बाद भी ये पुल एम्प्रेस ब्रिज के नाम से है जाना जाता। बहावलपुर से 40 किलोमीटर दूर वाके है जंगली हयात के मस्कन का एक कुदरती आसरा। सहरा, जंगल और पानी इकट्ठे हैं जहां, वो है यहां का पार्क लाल सुहानरा। सैकड़ों बरस पहले के हुक्मरानों ने तालीम से मोहब्बत का सबूत कुछ यूं दिया कि रकबे के एतबार से यहां एशिया का सबसे बड़ा सादिक पब्लिक स्कूल बनवाया। तालीम की ये लहर यूं ही आगे बढ़ती गई और 1925 में यहां इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। जिन्होंने बहावलपुर के आने वाले कल हैं संवारे, वो हैं कायदे आजम मेडिकल कॉलेज, सादिक अजर्टन कॉलेज, गवर्नमेंट सादिक कॉलेज, विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कामयाब तालीमी इदारे। छह था बहावलपुर की तारीख का एक ऐसा कीमती साल जिसमें कायम हुआ इस खित्ते का सबसे पहला और बेहतरीन विक्टोरिया अस्पताल। तारीख को आज भी ताजा दम रखे हुए है बहावलपुर का अजायब घर। यहां है लाहौर के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा चिड़ियाघर। खत्मे नबूवत चौक में आज भी नस्ब है वो फव्वारा, मलका विक्टोरिया ने था जिसे तोहफे में दिया। यहां देखने को मिलता है मयारी खेलों का भी वजूद। यहां है इंटरनेशनल मयार का क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद। यहां स्पोर्ट्स के मैदान हैं सजाए जाते, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल और रेस जैसे खेल यहां बड़े शौक से हैं खेले जाते। आज बहावलपुर में है राज दौरे जदीद का हर नया रिवाज। यहां भी है अब बलंदो बाला रहायशियो कमर्शियल इमारात का राज। जहां जदीद तर्ज़े जिंदगी के सजे हैं सभी रास्ते, वो है बहावलपुर का इंतहाई खूबसूरत DHA। जहां छाई रहती है हर वक्त ही रौनक की बहार, वो है यहां का तारीखी और मशहूर शाही बाजार।
यहाँ भी जिंदगी की रौनक से सजे हैं दिन रात। फरीद गेट, बहावलपुर सेंट्रल लाइब्रेरी, सराइकी चौक में पानी का कुआं, जामे मस्जिद अल सादिक, मकबरा बीबी जूंदी, एसएस वर्ल्ड फैमिली पार्क और महल्लात हैं यहाँ के अहम तारीखी और तफरीही मकामात। यहाँ के लोग उम्दा और लजीज खाबों के हैं दीवाने। शायगान कुल्फी, बाबा चावल वाला, कैप्टन के सीरी पाए, इसके अलावा यहाँ पकाए जाते हैं बहुत से लाजवाब खाने। एक से बढ़कर एक अहम शख्सियत है इस मर्दम खेज मट्टी से जुड़ी। जहूर नजर, मोहम्मद खालिद अख्तर, दिलशाद कलांचवी, नोशी गेलानी, हॉकी के प्लेयर मतीउल्ला और समीउल्ला। इसके अलावा हर महफिल लूट लेने वाली मुर्तजा हसन उर्फ मस्ताना जैसी हस्ती। जिंदगी की गाड़ी में बैठकर बस चलते ही ना जाइए, सफर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जरा बहावलपुर तो तशरीफ लाइए। रोज़ रंग परंगी, तुझे दिल को कतरे।